अगर कोई व्यक्ति नया मोबाइल फोन लेता है तो उसमें से पहले ही कोई ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल रहते हैं, जिनमें से एक है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप मोस्टली हर वह पर्सन चलाता होगा जो कि स्मार्टफोन का यूज करता होगा, जिसकी वजह से आज व्हाट्सएप इतनी बड़ी कंपनी बन पाई है। और आज व्हाट्सएप के जो यूजर बेस है वह लगभग 2 बिलियन लोगों तक पहुँच चुका है। मतलब कि व्हाट्सएप को लगभग 2 बिलियन लोग यूज करते हैं। दुनिया के इस पॉपुलर मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप की शुरुआत दो दोस्तों ने मिलकर साल 2009 में की थी। एक थे ब्रायन एक्टन जो कि एक याहू इंजीनियर थे और दूसरे थे जॉन कुम जो कि एक हैकर ग्रुप वू में काम करते थे। जॉन कुम एक बेहद ही साधारण परिवार में जन्मे थे। इनका जन्म यूक्रेन के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनके पिता एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे जो कि हॉस्पिटल और स्कूल बनाती थी। जॉन कुम ने सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी से मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में अपनी एजुकेशन पूरी की थी। ब्रायन एक्टन जिनका बचपन सेंट्रल फ्लोरिडा में बीता था, इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से साल 1994 में कंप्यूटर साइंस में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। डिग्री लेने के बाद इन्होंने मशहूर कंपनी एप्पल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पोजीशन पे काम करना शुरू किया। फिर इन्होंने साल 1996 में याहू को ज्वाइन कर लिया। कॉम और एक्टन की मुलाकात याहू के ऑफिस में हुई थी। ब्रायन एक्टन बताते हैं कि जब मैंने जॉन कॉम को ऑफिस में देखा था तब मैंने उसे बल्कि लोगों से कुछ अलग पाया। वो बहुत ही अलग और मेहनत से काम करने वालों में से एक था। वहीं से ही उन दोनों में दोस्ती हो गई थी। लगभग 10 साल तक एक साथ काम करने के बाद इन दोनों ने याहू को छोड़ने का फैसला किया और साल 2007 में इन दोनों ने एक साथ नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का कुछ काम करने लग गए। व्हाट्सएप का आइडिया जॉन कॉम को 2009 में तब आया जब वह मूवी देख रहे थे। उन्हें लगा कि क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए जिससे कि वह अपने दोस्तों को तुरंत इन्फॉर्म कर पाए कि मूवी में क्या हुआ, कैसे हुआ और साथ ही उसमें कुछ खर्चा भी ना हो। जॉन कॉम ने यह आइडिया ब्रायन एक्टन को बताया। शुरू में एक्टन को थोड़ा मुश्किल लगा लेकिन बाद में वह राजी हो गए और अब दोनों इस मिशन को पूरा करने के लिए जी जान में लग गए, क्योंकि दोनों प्रोग्रामिंग में बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही अच्छे से उसको समझते थे, इसीलिए उन्होंने एक ऐप बना लिया। ऐप बनकर तैयार हो गया था लेकिन उसमें दिक्कतें भी बहुत थी। सबसे पहले तो व्हाट्सएप में रजिस्ट्रेशन के समय नंबर डालना होता था तो जो ओटीपी फोन पर आता था उसके पैसे जॉन कॉम के बैंक अकाउंट से कटते थे। दूसरी समस्या यह थी कि ऐप में कभी तो मैसेज आते और कभी बिल्कुल ही नहीं आते थे। आखिर में जॉन कॉम ने ब्रायन एक्टन से कहा क्यों ना इसे छोड़कर कोई स्टेबल जॉब पकड़ लिया जाए। ब्रायन एक्टन ने गुस्से में जवाब दिया और कहा कि अगर तुमने अभी इसे छोड़ दिया तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। कुछ महीने अभी हमें इसे और देना चाहिए। उसके कुछ समय तक व्हाट्सएप में कोई खास ग्रोथ नहीं हो रही थी और दोनों के बैंक अकाउंट भी बिल्कुल खाली हो चुके थे और अब दोनों को सर्वाइव करने के लिए नौकरी की जरूरत पड़ गई थी। जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन जॉब के लिए सबसे पहले फेसबुक के हेडक्वार्टर गए लेकिन वहां से उन्हें रिजेक्शन ही मिला। फिर दोनों ने ट्विटर के हेडक्वार्टर गए, वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। ना तो उन्हें कोई नौकरी दे रहा था और ना ही उनका व्हाट्सएप का काम ढंग से पूरा हो पा रहा था। तभी एक्टन ने कहा क्यों ना हम अपने सभी पुराने दोस्तों को इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं और शायद इससे कुछ पैसे भी इकट्ठा हो जाए। उन्होंने अपने सभी पुराने दोस्तों जो कि याहू में काम करते थे उनको बुलाया और अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। सभी दोस्तों ने लगभग 15,000 रुपए मिलकर दिए। इस पैसे से उन्होंने फिर से व्हाट्सएप पर काम करना शुरू किया और दिन रात एक करके इसकी सारी दिक्कतों को दूर किया। साल 2010 की शुरुआत से 2014 तक व्हाट्सएप की ग्रोथ पूरी दुनिया में बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ी। 4 साल के अंदर ही यह ऐप उनके लाइफ का गेम चेंजर बन गया। 2014 अगस्त महीने तक व्हाट्सएप के मंथली यूजर 60 करोड़ हो चुके थे और हर महीने लगभग 2.5 करोड़ नए एक्टिव यूजर्स व्हाट्सएप पर साइन अप कर रहे थे। अब 5 साल बाद उसी फेसबुक ने जिसने 6 साल पहले एक्टन और कॉम को अपने यहाँ जॉब देने से मना किया था, उसने व्हाट्सएप को बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके उन्हें खरीदा। इंडियन करेंसी के हिसाब से फेसबुक ने लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च करके इस ऐप को अपने नाम करवाया था। यह वह दिन था जब वह दोनों जिस कंपनी में नौकरी मांगने गए थे आज उसी कंपनी के शेयर होल्डर बन गए थे। इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर व्हाट्सएप पर ही हैं। वीचैट और जापान के लाइन ऐप जैसे जो व्हाट्सएप मैसेजिंग सर्विसेज हैं इसको भी व्हाट्सएप ने बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुका था। यही सबसे ज्यादा मेन कॉम्पिटिटर थे व्हाट्सएप के। इस समय इंडिया में व्हाट्सएप के लगभग 10 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स मौजूद हैं। साल 2014 के रिपोर्ट के अनुसार जॉन कुम 6.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया भर की सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में 202 नंबर पर आ चुके थे। वहीं ब्रायन एक्टन 3 बिलियन की संपत्ति के साथ 551 नंबर पर थे। तो ये रही कहानी व्हाट्सएप की।
इन्हीं दोनों की वजह से आज WhatsApp इतनी बड़ी कंपनी बन पाई है और आज WhatsApp पर लगभग 2 बिलियन से अधिक लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।